आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है मुद्रा लोन स्कीम। मुद्रा लोन स्कीम के बारे में मैं आपको तीन चीज़ें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो इस स्कीम के बारे में पूरा डिटेल आप जानेंगे। दूसरा हो गया, इस स्कीम में लोन प्राप्त करने के लिए क्या सही तरीका हो सकता है उसको मैं बताऊंगा। और सबसे अंत में मैं आपको बताऊंगा कैसे कुछ कंपनियां, कैसे कुछ लोग ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं और उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंक लोन देने के लिए आपसे पैसे चार्ज नहीं करती है। इसी गुरु मंत्र के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम बेसिकली छोटे व्यवसायियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उसमें हर टाइप के बिजनेस मैन आ सकते हैं। आप न्यू बिजनेस के लिए भी ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए ले सकते हैं, या अगर आप एक्सपेंशन मोड में और अदर दुकान खोलने जा रहे हैं तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी के लिए भी आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए आपको लोन PMMY में मिल जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेसिकली तीन कैटेगरी में बंटा हुआ है। सबसे पहले आता है शिशु, दूसरा हो गया किशोर और तीसरा हो गया तरुण। शिशु मुद्रा योजना स्कीम में आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा न्यू बिजनेस करने के लिए। आपको भी पता है कि 50,000 में न्यू बिजनेस होता कहाँ है। तो दरअसल ये वैसे लोगों के लिए है जिनके पास 50,000 रुपया भी नहीं है। अगर आप भी उसी कैटेगरी में हैं तो आप भी शिशु कैटेगरी के तहत मुद्रा स्कीम में लोन ले सकते हैं 50,000 फॉर न्यू बिजनेस। दूसरा इसमें आता है किशोर। किशोर की कैटेगरी में आपको मिलेगा 50,000 से लेके 5,00,000 रुपये तक का। और सबसे लास्ट इसमें हो गया 5,00,000 से 10,00,000। एक चीज़ मैं आपको और प्रैक्टिकल बात बता दूँ, अगर आप कोई भी इन तीनों ही कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक वाला सबसे पहले आपको यही कहेगा कि आपका शॉप किधर है, आपका दुकान किधर है, ऊपर से उस दुकान का MSME रजिस्ट्रेशन किधर है। तो आप तो बोलेंगे मेरे पास तो है ही नहीं, हम तो आगे मुंह उठा के नए बिजनेस के लिए। तो मैं आपको बता दूं, सरकार ने भले ही नया बिजनेस के लिए बोला है लेकिन बैंक वाले कभी भी बिना दुकान के वो आपको मुद्रा में लोन देंगे ही नहीं। तो अगर आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको कैसे लोन मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट के बेसिस पर मिलेगा। और आपने दुकान ले लिया है तभी ओके है, अगर आपने नहीं लिया है तो आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा कि सर ये वाला स्पेस हमने चुना हुआ है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, MSME रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है नहीं तो आपको करवा लेना है, ठीक है। और बैंक से तब ये आपको बोलना है कि सर जैसे ही आप ओके कर देंगे तुरंत मैं इसका लीज अग्रीमेंट कर दूंगा एंड रेंट अग्रीमेंट कर दूंगा, दोनों में से जो भी आपका एप्लीकेबल होगा वो आप करके बैंक को प्रोवाइड करा देंगे। इस तरीके से काम होता है। आप सीधा एकदम न्यू बिजनेस के लिए जाएंगे तो बैंक वाला पहले ही आपको मना कर देगा, ठीक है। तो इन तीनों ही कैटेगरी में आपको लोन ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आता है क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 1% पर मंथ के दर से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि एक साल का 12% हो गया। वो किसके लिए है, वो है शिशु के लिए, बाद बाकी के लिए जो है। नेक्स्ट इसमें आता है क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो लगभग 8.5% से लेकर 11.5% के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। और ये वैरी क्यों करेगा, ये वैरी करेगा आपके पर्सनल सिविल स्कोर, आपका बैकग्राउंड कैसा है, किस टाइप का फाइनेंशियल से आपके, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बैंक आपको 8.5% पे दे या 10% पे दे। ये तो हो गया स्कीम के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुद्रा स्कीम में लोन के लिए सही तरीका क्या है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना चाहिए। मुद्रा लोन लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दूसरा हो गया इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन या MSME रजिस्ट्रेशन, तीसरा हो गया इसमें आपका इनकम टैक्स रिटर्न। आप में से बहुत सारे लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगा, नहीं है तो भरवा लीजिए, बैंक जरूर मांगता है। बिना इनकम टैक्स रिटर्न के जनरली वो लोन नहीं देते हैं, जबकि प्रावधान नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न का, बट बैंक का अपना अलग नियम कायदा है, वो बिना इनकम टैक्स रिटर्न के लोन आपको नहीं देंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरवाया आपने तो भरवाइए। इन तीन डॉक्यूमेंट के अलावा आपका जो KYC का डॉक्यूमेंट होता है वो भी वो लेंगे, जैसे आधार, पैन, बैंक का स्टेटमेंट, जनरली जो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगता है, अपार्ट फ्रॉम एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका फोटोज़ हो गया, अगर आपने रेंट पर प्रॉपर्टी ली है तो रेंट अग्रीमेंट हो गया या लीज अग्रीमेंट हो गया, ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आपको बैंक के पास जाना है और तब जाकर लोन के लिए अप्लाई करना है। 90% लोग अधूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं और बैंक वाला उनको बोलता है आप घर जाइए, हम लोन नहीं दे सकते हैं।
ये काम आप मत कीजिए। इन सारे डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए आप अभी विजिट कीजिए myprojectreport.com वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको हर टाइप का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। वीडियो का सबसे आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे कुछ लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है मुद्रा लोन या अन्य किसी भी लोन देने के नाम पर। दरअसल होता ये है कि जैसे ही आप PMEGP या मुद्रा लोन आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपका जो डेटा है वो जनरली होता क्या है कि आप किसी ऐसे वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर देते हैं जो उस टाइप का फ्रॉडस्टर का वेबसाइट होता है। वहाँ से वो आपका डेटा ले लेते हैं और आपसे लगातार फ़ोन पर बात करेंगे कि सर हम आपका लोन दिलवा देंगे, आप ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। बेसिक डॉक्यूमेंट वो मांग लेंगे आपसे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो छोड़ के वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ठीक, जैसे पैन आधार ये वो सब दे दीजिए। जैसे आपने दे दिया 10 मिनट में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। ये ऐसे फ्रॉड काम होता है, इतना जल्दी लोन कभी भी अप्रूव नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, तुरंत वो फ़ोन करके बोलेंगे कि सर आपका लोन अप्रूव हो गया, आप हमारे अकाउंट में 20,000 रुपये डाल दीजिए, वो ऐसा कहेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये किया भी है। इस टाइप के फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो मैंने आपको रास्ता बताया है वो जेन्यून रास्ता है। आप सिर्फ डॉक्यूमेंट बनवाइए, आप डॉक्यूमेंट एक सही और ऑथेंटिक वेबसाइट है, कंपनी है, आप उसी के थ्रू बनवाइए। myprojectreport.com वेबसाइट है जो हमारा, ये हमारी कंपनी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ऑथेंटिकेट है, जेन्यून है, मैं खुद इसका फाउंडर हूँ। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा वो सही बनेगा, क्वालिटी वाला बनेगा और आपको लोन दिलाने में मदद करेगा। दूसरी बात, आप कभी भी ऐसे लोगों को ऑनलाइन पैसा ना दें जो आपको ये कह रहा हो कि आपका तो लोन पास हो गया, मैं SBI बैंक से बोल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, आप वैसे लोगों से बच के रहिए। लिटरली मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है, मुझे बहुत सारे लोगों ने एविडेंसेस दिए हैं, वो इतना आप देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कैसे कैसे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। सो ये वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन उम्मीद है आपके बहुत ही काम आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सारा कुछ करके मुझे बताइए कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।